प्रियंका की तरफ। प्रियंका नेहरू तारा मंडल में इस वक्त मौजूद है कुछ खास मेहमानों के साथ में, कुछ खास वैज्ञानिकों के साथ में। प्रियंका ओवर टू यू। हम चाहेंगे कि आज हमारे करोड़ों दर्शकों तक वो सारी जानकारी पहुंचे जो ये बताएगी कि चंद्रयान 3 का सफर वो न्यूज 18 इंडिया के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल सबीना, मेरे साथ इस वक्त प्रेरणा चंद्रा मौजूद है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये नेहरू प्लैनेटेरियम की। मैम कॉन्फिडेंट है इस बार हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, क्या उसके कारण है अगर आप समझा पाए, क्यों पिछली बार की गलतियों से हमने सीख लेके ऐसा क्या नया किया है? एक पूरा पोस्टर भी हमारे साथ है प्रेरणा मैम। जी बिल्कुल, इस बार जो हमारा कंपोनेंट है वो काफ़ी एडवांस्ड और इक्विप्ड है। चंद्रयान 2 की जो गलतियां और विफलताएं रही थी उनको ध्यान में रखकर उसको काफ़ी अपग्रेड किया गया है। अगर इसके पेलोड्स की बात करें तो इसके हमारे विक्रम लैंडर के बहुत ही लेग्स को स्ट्रॉन्ग किया गया है। वी हैव वेलोसिटी कैमरा जो हॉरिजॉन्टल से जब अपने आप को वर्टिकल पोजीशन पे लाएगा जो उसको स्थिरता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उसके रिएक्शन व्हील्स हैं, रमा एलपी पेलोड्स है, साथ ही साथ इसको अगर एल्टीमीटर को सरल भाषा में समझे तो ये सतह की एक्सरे मशीन है। अच्छा। तो उसको एक्सरे करके एनालिसिस कर विक्रम को ये संकेत देगा कि ये सही समय है और ये सही जगह है, हम सफलता से लैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो चंद्रयान 3 रखता है। साथ ही साथ इस पे हमारे पास एक्स्ट्रा ईंधन है क्योंकि हमने नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर इस पूरे मिशन को चंद्रमा की उस सतह तक पहुंचाया। तो हमारे पास अगर इस दौरान अगर कोई चैलेंजेस फेस करते हैं तो अगर हमारे पास बफर टाइम की हमें जरूरत पड़ती है तो हम प्लान बी के साथ भी रेडी हैं। प्लान बी भी हमारे पास है जिसके लिए हमने ये कहा था कि अगर आज किसी तरीके की दिक्कत होती है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है तो 24 घंटे के बाद एक और ट्रायल लिया जाता है, वरना दूसरी साइट 27 तारीख के लिए तय की गई है। लेकिन मैम जैसे आपने बताया कि एडवांसमेंट तो इस बार है, लेकिन अब हमारे पास चंद्रयान 2 का भी साथ है, वो भी सिग्नलिंग बैकअप के तौर पर काम करेगा। जी चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर हम इस्तेमाल में ला रहे थे। एक्चुअली जब ये मिशन कंपोनेंट्स का आपस में सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि जिस दौरान लैंडिंग होगी इसरो का कोई संपर्क नहीं रहेगा इस पूरे क्राफ्ट के साथ, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे होगा उस दौरान, तो सारे डिसीजन जो है वो विक्रम को लेने हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग का, आपस में सेंसर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी उस कक्षा में घूम रहा है तो उस ऑर्बिटर के साथ भी हमारा कनेक्शन जो है वो स्थापित हो गया, जो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करता है कि हम किसी भी तरीके के सिग्नल का ट्रांसमिशन जो है वो इसरो तक कर पाएंगे। और ये कितना समय होगा जब जो कंट्रोल है वो अर्थ स्टेशन के पास नहीं रहेगा, क्या ये लैंडिंग वाले फेज में भी जिसको हम लोग वो जो 17 में प्रियंका ने हमें कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी जानकारी अब तक चंद्रयान 3 के सफर के दौरान दिखाई है प्रियंका के जरिए। इस चंद्रयान सफर को यहाँ पर दर्शकों ने काफी हद तक तय किया है और आज हम सबके जरिए ये सफर करोड़ों दर्शक यहाँ पर तय करने जा रहे हैं। जम्मू की तरफ रुख करते हैं, हमारी सहयोगी कोमल भी